राम राम सभी ने। आज की जो वीडियो है वो है जूही चावला के ऊपर। जूही चावला जो है एक भारतीय फिल्म एक्ट्रेस, मॉडल, फिल्म निर्माता और 1984 की जो है मिस इंडिया सौंदर्य पृष्ठ की विजेता हैं। जूही चावला अपनी एक एक्टिंग करियर में 2 फिल्म फेयर अवार्ड भी जीत चुकी हैं। जूही चावला ने बंगाली, पंजाबी, मलयालम, तमिल, कन्नड़ और तेलुगु फिल्म की भाषाएँ की हैं। 80 से 90 के दशक की प्रसिद्ध एक्ट्रेस रह चुकी हैं। साथ ही अपने कॉमेडिक समय और जीवन स्क्रीन पर विशेषता के लिए जानी जाती हैं। जूही चावला का जन्म 13 नवंबर 1967 को लुधियाना, पंजाब में हुआ था। जूही के पिता पंजाबी और माता गुजराती हैं। उनके पिता भारतीय राजस्व सेवा IRS के अधिकारी थे। उन्होंने फोर्ट कॉन्वेंट स्कूल मुंबई से अपनी शिक्षा पूरी की और HR में जो है विशेषज्ञता के साथ मुंबई के सिडेनहम कॉलेज से जो है स्नातक की पढ़ाई की। पढ़ाई ख़त्म करने के बाद जूही चावला ने 1984 में जो है मिस इंडिया में भाग लिया और खिताब अपने नाम किया। जूही चावला की शादी जो है जय मेहता से हुई। उनके 2 बच्चे हैं, अर्जुन और जाह्नवी। जय मेहता और जो है जूही चावला इंडियन प्रीमियर टीम कोलकाता नाइट राइडर के मालिक हैं। उन्होंने शाहरुख खान के साथ अपनी कंपनी रेड मिर्च एंटरटेनमेंट के तहत भागीदारी की। इसके बाद बॉबी चावला लाल मिर्च एंटरटेनमेंट के CEO थे, उनके भाई। जूही ने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1986 में आई फिल्म सल्तनत से की थी। हालांकि यह फिल्म जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई। इसके बाद वर्ष 1987 में जूही ने कन्नड़ सिनेमा की फिल्म प्रेमलोक की। वो काफ़ी सफल फिल्म रही और वहाँ से उनको फिल्म मिलने लगी। इसके बाद कयामत से कयामत तक 1988 मिली। इस फिल्म में जूही चावला के साथ आमिर खान की जोड़ी नज़र आई। जूही चावला ने जो है मिस इंडिया का खिताब 1984 में जीता था। जूही चावला जो है मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनना और कयामत से कयामत तक में आमिर को किस करना उन्हें आज भी सबसे शर्मिंदगी भरा पल लगता है। जूही चावला की एक खासियत है कि वो चाहकर भी किसी पर गुस्सा नहीं कर पाती, वो बस कड़वे घूंट पी कर रह जाती हैं। जूही चावला सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेत्री ही नहीं बल्कि एक क्लासिकल सिंगर भी हैं। आमिर खान के साथ कयामत से कयामत तक की उसका और आमिर का झगड़ा हो गया। दोनों ने 8 साल तक बात नहीं की। आखिर 8 साल के बाद दोनों की बातचीत शुरू हुई और दोस्ती इतनी पक्की हो गई कि ज़रूरत पड़ने पर आमिर रात को 2 बजे जूही के पास पहुँच जाते थे। शाहरुख खान के साथ भी उनकी दोस्ती काफ़ी पुरानी है और साथ में अब बिजनेस भी करती हैं दोनों। जूही चावला के बारे में कहा गया कि वह पहली मॉडल है, उन्होंने बॉलीवुड में एक्ट्रेस बन इतनी सक्सेस पाई। 7, बॉलीवुड में अकेले इमरान खान हैं जो उन्हें आंटी कहकर बुलाते हैं, क्योंकि इमरान जब 6 साल के थे तब जूही की कयामत से कयामत तक आई थी, उसी के सेट पर वह इमरान से मिली थी। शाहरुख खान को जूही ने जब पहली बार देखा तो उन्हें वह बेहद साधारण इंसान लगे। उन्हें बाद में पता चला कि यह उनकी फिल्म के हीरो हैं। माधुरी दीक्षित और जूही चावला की कभी नहीं बनती थी, दोनों में हमेशा कांटे की टक्कर थी, जैसे आज प्रियंका और दीपिका के बीच है। बाद में हालांकि गुलाब गैंग में दोनों साथ नजर आए। वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।